गिरिडीह के गांवा पावर ग्रिड चालू कराने और गांवा तीसरी में डिग्री कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाकपा माले की तरफ से चेतावनी मार्च निकाली गई। ये मार्च 5 किलोमीटर पदयात्रा कर निकाली गई। इस दौरान स्थानीय विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद की लापरवाही के कारण पावर ग्रिड के ट्रांसमिशन निर्माण को लेकर अभी तक एनओसी तक नहीं मिल पाया है, जो कहीं न कहीं पूरी सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। जो आपके चुना भाकपा माले के एमएलए के रूप में सरकार ने गिरिडीह में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से गुरुवार को बरगंडा रोड स्थित मधुवन रेस्टोरेंट में मीडिया से बातचीत की गई। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला ही है और गठबंधन सरकार ने जितने वादे किए थे उन सबको पूरा करके दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा 27 जुलाई को गांवा से राजधनवार विधानसभा के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें प्रमंडलीय क्षेत्र में कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। हमारे गठबंधन की सरकार इस राज्य में चल रही है, लगभग कार्यकाल प्रारंभ है और जो हमारे गठबंधन की सरकार ने जो घोषणाएं की थी जनता के हित में वो धरातल पर अब दिखने को शुरू हो गई है। जैसे कि उन्होंने 12 शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दर्जा दिया, 60 साल के सभी समुदाय को लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, अभी 24 से 49 वर्ष के लोगों को भी पेंशन देने के प्रावधान बनाया गया है। सबसे बड़ा किसानों की राहत ये दी जा रही है कि जो किसान जो पिछले बार 50,000 रुपये माफ हुआ था हमारी राज्य की सरकार ने, इस बार 2 लाख करने जा रही है। वैसे किसानों का भी जिनकी खाता एनएपी हो जाती है, जो खाता एक बार भी वो इस जमा नहीं किए वैसे खाता धारक का भी 2 लाख रुपये इस बार माफ करने जा रहा है। जारी सरकार बैंक से डाटा मांगी गई है और अभी आप देख रहे हो कि जो कुछ दिन पूर्व भी हमारे जो मुख्यमंत्री राज के हैं 1500 पीजीटेट पास को शिक्षक नियुक्ति के पद दिया है। रोजगार का यहाँ पूरा सृजन हुआ है, जिस घर में नौकरी हुई उनके परिवार बहुत खुशहाल है और मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर हमारी जो चुनाव इस बार बहुत जल्द जो हमारे 2 नवंबर को होने वाली है दोबारा से हम लोग फिर गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस राज्य में बनाएंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।